एवरीवन, वेलकम टू द ई क्लासेस ऑफ सुभाष कॉन्वेंट स्कूल सेवतबड़ी सीकर। आई एम राहुल नागपाल एंड आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी इन सुभाष कॉन्वेंट स्कूल सेवतबड़ी सीकर। वी वर डूइंग अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू माई द लास्ट लेक्चर दैट वॉज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विच सेल बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कल मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है वो सब बता दिया था आपको, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर 5 जाके देख ले बेटा, ठीक है। मुझे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो बेसिक सा आइडिया दे देता हूं है क्या। हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया था। 1 मोलर क्या लिया था बेटा? जिंक सल्फेट। और उसमें किसको डिप किया था? जिंक रोड को। किसको डिप किया था बेटा? जिंक रोड को, ठीक है। और दूसरी साइड मैंने 1 मोलर कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें किसको डिप किया था? कॉपर रोड को। किसको डिप किया था? कॉपर रोड को। विद द टाइम क्या ऑब्जर्व किया जाता है? विद द टाइम ऑब्जर्व किया जाता है कि जिंक रोड जो है वो क्या होने लगी बेटा? वो जो है जिंक रोड है वो डिजॉल्व होने लग जाती है। वो क्या होने लग जाती है? डिजॉल्व होने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है। और Zn2 पॉजिटिव आयन क्या है बेटा? सोल्यूशन में चले जाते हैं। Zn2 पॉजिटिव आयन कहां चले जाते हैं बेटा? सोल्यूशन में चले जाते हैं और नॉर्मल से Zn2 पॉजिटिव बढ़ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस रीजन में, ठीक है। वायर से फ्लो होके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव की होती है रिडक्शन और वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और सोल्यूशन से जो कॉपर है वो चिपकने लग जाता है। किस पे बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड पे। किस पे? कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो विद द टाइम हम क्या फील करते हैं कि जिंक की रोड का जो वेट है वो कम हो रहा है, कॉपर की रोड का जो वेट है वो क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। एंड साइमल्टेनियसली एक साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो दूसरी साइड से करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है बेटा? करंट जो है मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कल? जो एनोड, वो प्लेट जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, वो प्लेट जहां पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, उसको अपन एनोड बोलते हैं। और वो प्लेट जहां पे होता है रिडक्शन वो क्या बोलते हैं बेटा? उसको कैथोड बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क था सर्किट को पूरा करने के लिए एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक इन्वर्टेड यूट्यूब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जिसे अपन सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मैंने कल वाले लेक्चर में सब आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार वो लेक्चर देख लेना, मुझे आगे कंटिन्यू करना है अभी, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कौन सा सेल है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होने का सीधा साधा सा मतलब एक ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ करंट क्यों फ्लो करा? करंट क्यों फ्लो करा? इलेक्ट्रोड्स की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ। इलेक्ट्रोड्स की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ, क्योंकि करंट कहां फ्लो करता है? करंट तो वहीं फ्लो करता है ना जहां पोटेंशियल डिफरेंस हो। करंट कहां फ्लो करता है? करंट तो वहीं फ्लो करता है जहां क्या हो बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस हो। जहां क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। तो इस सेल का जो पोटेंशियल आता है वो कैसे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे समझ लेंगे। एक बार एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखो बेटा। इस सेल का जो पोटेंशियल आता है वो आता है 1.1 वोल्ट। कितना आता है बेटा एक्सपेरिमेंटली? 1.1 वोल्ट इस सेल का पोटेंशियल आता है, 1.1 वोल्ट, ठीक है बेटा। अब क्या हो, ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल बाहर से अप्लाई कर दूं, अब इसका क्या मतलब है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें केमिकल रिएक्शन करवा रही है और पोटेंशियल एंड करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं बाहर से बैटरी लगा के पोटेंशियल अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं बाहर से एक बैटरी लगा के पोटेंशियल को अप्लाई कर दूं तो क्या होगा बेटा? जो नेचुरली एक्सपेरिमेंटली इस सेल का जो पोटेंशियल आता है वो आता है 1.1 वोल्ट। क्या आता है बेटा? 1.1 वोल्ट। अगर जो आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर, जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो 1.1 वोल्ट से कम है, वो क्या बेटा? 1.1 वोल्ट से कम है, ठीक है। तो सेल का पोटेंशियल ज्यादा है, सेल का क्या बेटा? पोटेंशियल ज्यादा है। तो सेल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेल अपना काम करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगा। करंट क्या बेटा? फ्लो करेगा। आपने इस सेल ने जो पोटेंशियल प्रोड्यूस किया रिएक्शन के थ्रू वो कितना किया बेटा? 1.1 वोल्ट। कितना किया? 1.1 वोल्ट। आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इसके अपोजिट
जो है ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो, जो इसने प्रोड्यूस किया इसके अपोजिट ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 1.1 वोल्ट से कम की तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, सेम प्रोसेस क्या बेटा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर आपने 1.1 वोल्ट के इक्वल जो है आपका पोटेंशियल लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा पोटेंशियल लगा दिया, तो जो सेल है वो वर्किंग स्टॉप कर देगा, सेल स्टॉप वर्किंग, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और सेल अपनी वर्किंग क्या कर देगा बेटा स्टॉप कर देगा, क्या कर देगा स्टॉप कर देगा। और आपने अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो बैटरी से अप्लाई किया जा रहा है रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल से बढ़ गया, यानी कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है, क्या है बेटा ज्यादा है, तो आपको पता ही है बेटा बैटरी सप्लाई करेगी, कैथोड को नेगेटिव चार्ज आएगा, एनोड को कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और ऐसा कौन से केस में होगा बेटा, ऐसा होगा कौन से केस में होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में होगा, कौन से केस में होगा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, अगर जो आपका दिया हुआ अप्लाई किया हुआ पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, अगर बैटरी की हेल्प से आप अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे 1.1 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल लगा देते हो, किससे ज्यादा का बेटा 1.1 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल लगा देते हो, तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कौन सा सेल है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अपोजिट पोटेंशियल अपोजिट ईएमएफ अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो जाएगा बेटा कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को थोड़ा और मैं जो क्लियरली लिख देता हूं, क्या मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं, शट गीले से कर दिया, अगर बेटा अप्लाइड पोटेंशियल आपका जो सेल है उसका जो पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट आता है, कितना आता है बेटा 1.1 वोल्ट आता है, सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना आता है बेटा 1.1 वोल्ट आता है, कितना आता है 1.1 वोल्ट आता है, ठीक है। आपने एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल लगा दिया, क्या लगा दिया बैटरी की हेल्प से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, केस वन, केस वन क्या है, वो जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है वो 1.1 पोटेंशियल लगाया है वो 1.1 वोल्ट से क्या है बेटा कम है, क्या है कम है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, सेल विल कंटिन्यू इट्स वर्किंग, सेल विल कंटिन्यू इट्स वर्किंग, सेल अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखेगा, सेल अपनी वर्किंग को क्या रखेगा कंटिन्यू रखेगा, सेल विल कंटिन्यू इट्स वर्किंग। अगर आपका जो पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल है, इसको मैं एक्सटर्नल ईएमएफ लिख देता हूं बेटा ईएमएफ, ठीक है, अगर आपकी एक्सटर्नल ईएमएफ इक्वल टू है 1.1 वोल्ट के, किसके बेटा 1.1 वोल्ट के, जो सेल है इट विल स्टॉप वर्किंग, सेल क्या कर देगा वर्किंग स्टॉप कर देगा, सेल क्या कर देगा वर्किंग स्टॉप कर देगा। एंड एट द एंड अगर आपने एक्सटर्नल जो ईएमएफ है वो 1.1 वोल्ट से क्या लगा दी बेटा ज्यादा लगा दी, क्या लगा दी ज्यादा लगा दी, तो पोलैरिटी इलेक्ट्रोड्स की चेंज हो जाएगी, एनोड कैथोड बन जाएगा, कैथोड एनोड बन जाएगा, जिससे क्या होगा बेटा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सॉरी बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दो इलेक्ट्रोड तो है नहीं, देयर विल बी इनफाइनाइट इलेक्ट्रोड, देयर विल बी
इनफाइनाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो हर केस में क्या होने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन अभी रहेगी, लेकिन उसका डिटेल्ड जो वर्जन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेल रिप्रेजेंटेशन का। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मैं सिर्फ अभी एक एग्जांपल बताऊंगा, बट इसका कभी मतलब नहीं है कि मैं और एग्जांपल बताऊंगा नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करने के बाद वी विल डू द लॉट ऑफ एग्जांपल। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। ज्यादातर कोड वर्ड रोल नंबर वगैरह क्यों दिए जाते हैं, ताकि पहचान इजीली हो सके, बहुत बड़ा चिट्ठा ना खोलना पड़े, रामकुमार सन ऑफ हरदयाल, लाल सन ऑफ ये विलेज ये, ठीक है। तो बहुत बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज करने के लिए, छोटू मोटू करने के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इनफाइनाइट इलेक्ट्रोड्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट आपके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो कई तरह से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, मींस कई तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए जा सकते हैं। तो सभी के दो दो डब्बे थोड़ी बनाएंगे, तो टाइम पास करने वाली बात होगी, लगे रहो एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, सेल रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। जहां ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन कहां होती है बेटा, एनोड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपने एनोड वाला हिस्सा लिखना है, राइट साइड में आपने कैथोड वाला हिस्सा लिखना है। अब मैं लेफ्ट राइट नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूं, एनोड वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में लिखना है और कैथोड वाला हिस्सा क्या लिखना है बेटा, राइट साइड में लिखना है। कहां लिखना है, राइट साइड में। और दोनों हिस्सों को सॉल्ट ब्रिज से आपने सेपरेट कर देना है, दोनों हिस्सों को सॉल्ट ब्रिज से आपने क्या कर देना है बेटा, सेपरेट कर देना है। एनोड में पहले क्या लिखना है, एनोड में आपने लिखना है पहले मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। पहले मेटल इलेक्ट्रोड को लिखना है और उसकी फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड अलोंग विद फिजिकल स्टेट लिखनी है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोड है फिजिकल स्टेट के साथ लिखनी है, ठीक है। और एक लाइन लगा के, एक स्लैश लगा के, सीधी लाइन लगा के, स्ट्रेट लाइन लगा के आपने जो सोल्यूशन लिया है एनोड वाली साइड, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उसका क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में आयन, जो मेटल आयन है इलेक्ट्रोलाइट में, क्या है बेटा, जो मेटल आयन है उसका लिखना है आपने, वो भी मेटल आयन को भी लिखना है और मेंशन करनी है साथ में कंसेंट्रेशन। क्या करनी है बेटा, साथ में मेंशन क्या करनी है, कंसेंट्रेशन। इधर मेटल आयन है जो इलेक्ट्रोलाइट से आया हुआ, अलोंग विद कंसेंट्रेशन पहले लिखा जाएगा, अलोंग विद कंसेंट्रेशन पहले लिखा जाएगा, फिर एक लाइन लगानी है, फिर एक क्या लगानी है, लाइन लगानी है, और आपने क्या लिख देना है, मेटल इलेक्ट्रोड लिख देना अलोंग विद इट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के साथ क्या लिख देना है आपने, फिजिकल स्टेट के साथ आपने क्या लिख देना है बेटा, आपने इलेक्ट्रोड लिख देना, वो आपका सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और दोनों हिस्सों को किससे सेपरेट कर दोगे, ये डबल लाइन इंडिकेट करती है बेटा सॉल्ट ब्रिज को। अब ये क्या कर दिया, ठीक है, अगर आपको याद हो, ठीक है, बहुत बार बता दिया, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल जिंक कॉपर सेल है, कौन सा बेटा, जिंक कॉपर सेल, उसकी लेफ्ट साइड में क्या होता है, उसकी लेफ्ट साइड में क्या होता है, अभी समझ लेते हैं जरा, ठीक है। ये क्या करना क्या है, उसकी एनोड वाली साइड में कौन सी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाली साइड, कौन सी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाली साइड। तो जिंक कन्वर्ट होते हैं Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है जी। तो एनोड वाली साइड ये हो रहा है, ठीक है। तो एनोड वाली साइड आप पहले मेटल लिखोगे, उसकी फिजिकल स्टेट,
उसकी क्या लिखोगे बेटा साथ में, फिजिकल स्टेट, ठीक है, सॉलिड है तो सॉलिड लिख गया, ठीक है, आयन कौन सा बना या आयन कौन सा लिया आपने सॉल्यूशन में, Zn2 पॉजिटिव, हमने आयन ले लिया अलोंग विद इट्स कंसेंट्रेशन, वन मोलर लिया वन मोलर लो, टू मोलर लिया टू मोलर लो, ठीक है। अब कैथोड वाली साइड पहले आपने आयन लिखना है, कैथोड वाली साइड आप सबको पता है कौन सा आयन है, कॉपर टू पॉजिटिव, कौन सा बेटा कॉपर टू पॉजिटिव, और ये एक्वस फॉर्म में है, ये कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, एक लाइन लगाओ, ठीक है, कॉपर टू पॉजिटिव, और ये क्या है बेटा कॉपर है, ये क्या है कॉपर है, ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है एनोड है, और राइट वाला हिस्सा क्या है बेटा कैथोड है, क्या है कैथोड है, और हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं सेल रिप्रेजेंट करना, क्या करना बेटा सेल को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है बेटा रिडक्शन, यही तो मैंने बताया था कि एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होनी है रिडक्शन, क्या होनी है बेटा रिडक्शन, और इसकी सच मोलर कंसेंट्रेशन भी साथ में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा आपको क्या, वन मोलर भी मेंशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा वन मोलर भी मेंशन इसका आपको करना पड़ता है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये एनोड है, ये तो सर आपने बता दिया ये एनोड है ये कैथोड है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया उसको बात समझ में आई है, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, या जो गाए जा रहा हूं वो सुन लिया, क्वेश्चन इज दिस, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। आने वाले दो वीडियोस में यही चलने वाला है कि पता लगाना है कि कौन सा एनोड है और कौन सा क्या है बेटा कैथोड है, कौन सा एनोड है और कौन सा क्या है बेटा कैथोड है, और उसको पता लगाने के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये मैं इरेज कर रहा हूं, सेल रिप्रेजेंटेशन पे मैं दोबारा आऊंगा, ये बेसिक है, बाकियों की कैसे करनी है, अब एक का तो हमें याद रह जाता है, सभी का थोड़ी याद रहेगा कि कौन सा नोड है कौन सा कैथोड है कौन सा नोड है कौन सा कैथोड है, उसको समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले एक टॉपिक समझते हैं आज के लिए, और वो टॉपिक कौन सा है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो टॉपिक कौन सा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझने के लिए एक चीज को कंसीडर करो, मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास क्या है बेटा एक बीकर है, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में किसका सल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोड मैंने डिप की है ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये किसकी इलेक्ट्रोड है बेटा कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये सोल्यूशन किसका है, ये सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, ये सोल्यूशन किसका है बेटा कॉपर सल्फेट का है, इसमें आयन कौन कौन से हैं, कॉपर टू पॉजिटिव है और SO4 टू नेगेटिव है, इस सोल्यूशन में आयन कौन से हैं बेटा कॉपर टू पॉजिटिव है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो मैं इसके जैसा एक और बना सकता हूं, ठीक है, और एक और बना देता हूं, चलो ये है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट, तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है बेटा, कौन सी तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, इस कॉपर पॉजिटिव की इस इलेक्ट्रोड के साथ कैसी इंटरेक्शन है, इस कॉपर पॉजिटिव की इस कॉपर के साथ कैसी इंटरेक्शन है, मान लो इसे कोलाइड किया कोई इंटरेक्शन नहीं है वापस आ गया, यानी कि कोई इंटरेक्शन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो इंटरेक्शन, क्या बेटा नो इंटरेक्शन। दूसरा केस क्या है, सेम ही है बेटा सारे, ये कॉपर है ये क्या है बेटा आपका कॉपर सल्फेट है, ये क्या है कॉपर, ये कॉपर सल्फेट है और ये क्या है बेटा कॉपर है, ये क्या है बेटा कॉपर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ठीक है, अब ये जो
आपका कॉपर है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे बेटा, लॉस करे, ये जो कॉपर है अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे बेटा, लॉस कर दे, और किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, ये कॉपर अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है माइनस टू इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे बेटा, लॉस कर दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे बेटा, लॉस हो जाए, क्या हो जाए बेटा, टेंडेंसी है, दो टाइप की टेंडेंसी है, एक तो बेटा सोल्यूशन की टेंडेंसी है, एक इलेक्ट्रोड की इटसेल्फ टेंडेंसी है, एक इलेक्ट्रोड की क्या है बेटा, इटसेल्फ टेंडेंसी है, तो दो टेंडेंसी के अकॉर्डिंग दो पॉसिबिलिटीज है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड अगर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है बेटा, लॉस कर देती है, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, सोल्यूशन के अंदर ही तो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर ही तो जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर टू पॉजिटिव है, टू इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, कॉपर में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन इस जो इलेक्ट्रोड है इसकी क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, और इसकी क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है, इस कॉपर टू पॉजिटिव की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, एक्चुअली देयर इज इक्विलिब्रिया बिटवीन टू, इक्विलिब्रिया बिटवीन टू, थर्ड टाइप की पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड टाइप की पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ये जो कॉपर टू पॉजिटिव है, ये क्या है बेटा, जो कॉपर टू पॉजिटिव है, थर्ड टाइप की पॉसिबिलिटी क्या है, ये कॉपर टू पॉजिटिव यहां टकराए, इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ले ले, यानी कि कॉपर की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, कॉपर की क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पे चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पे क्या है बेटा, चार्ज डेवलप होता है, कॉपर की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, इन दोनों में क्या है बेटा, अलग अलग चार्ज डेवलप करवाने की कैपेसिटी है, अलग अलग चार्ज डेवलप करवाने की क्या है बेटा, कैपेसिटी है, ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑन द कंट्रारी अगर रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, हमें चार्ज ही तो डेवलप करवाना है ना इलेक्ट्रोड के ऊपर, हमें क्या डेवलप करवाना है इलेक्ट्रोड के ऊपर, चार्ज ही तो इलेक्ट्रोड के ऊपर डेवलप करवाना है, ठीक है, इस चीज को समझ लेना बेटा ध्यान से, ठीक है, दो तरह की टेंडेंसी है बेटा, ठीक है, एक तो जो इलेक्ट्रोड है वो आपकी रिड्यूस हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा, रिड्यूस हो सकती है, दूसरी आपकी इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, ऑक्सीडाइज हो सकती है, ठीक है, अब करंट फ्लो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज ही तो हमें चाहिए, तो चार्ज का रीजन क्या है बेटा, ठीक है, ये टेंडेंसी होती है सोल्यूशन आयन एंड मैटर इलेक्ट्रोड की, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो क्या बेटा कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये किसकी टेंडेंसी होती है बेटा, सोल्यूशन की और आपकी मेटल इलेक्ट्रोड की, किसकी बेटा, मेटल इलेक्ट्रोड की, या तो वो रिड्यूस हो सकता है या वो क्या हो सकती है बेटा, ऑक्सीडाइज हो सकती है, क्या हो सकती है, ऑक्सीडाइज हो सकती है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने की क्या बेटा टेंडेंसी, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने की क्या बेटा टेंडेंसी, उसको कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक क्या होता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दूसरा कौन सा पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, कौन सा पोटेंशियल होता है, रिडक्शन। एक मेटल इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज होने की जो पोटेंशियल है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड,
मेटल इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड रिड्यूस मेटल इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस होने का पोटेंशियल क्या कहलाएगा बेटा, मेटल का रिड्यूस होने का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल. क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड रिड्यूस होने का पोटेंशियल क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल. बेटा पोटेंशियल, आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हो ठीक है, तो दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो करेगा ना कैसे करके पोटेंशियल तो डेवलप होना ही चाहिए, कैसे तो कैसे करके पोटेंशियल डेवलप होना ही चाहिए. अगर पोटेंशियल डेवलप होगा ही नहीं ठीक है, तो करंट कहां से फ्लो कर जाएगा, करंट कहां से फ्लो कर जाएगा, ये बात समझ लेना बेटा, करंट कहां से फ्लो कर जाएगा. तो इलेक्ट्रोड की रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल. उसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है. और जितना रिडक्शन ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन होगा ठीक है, वो क्या बनेगा, एनोड. और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बनेगा बेटा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा, कैथोड. और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बनेगा बेटा, एनोड. वो क्या बनेगा बेटा, एनोड. अब इस रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे स्टडी करते हैं ठीक है, इनकी डिटेल्स क्या है वो बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. लेकिन बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान में रख लेना एक बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा ठीक है, दोनों में पोटेंशियल होना चाहिए. पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो कर पाएगा ना, तो ही क्या कर पाएगा बेटा, करंट फ्लो कर पाएगा ठीक है. तो जो आपका, जो आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लेते हो बेटा, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है. उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है. अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, करंट फ्लो नहीं कर सकता. इसकी डिटेल जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.